इतना क्या नहीं रहा, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं। वैसे बड़ी घुटन हो रही है। घुटन हो रही है? हाँ। क्यों? हर किस्म के कानून हमारे खिलाफ आ रहे हैं, हर किस्म के टैक्सेस बढ़ रहे हैं। फ्रॉडिया, इसका कोई काम इल्म से तो कोई है नहीं, इसका काम है प्रोपेगेंडा करना, मौलवियों को बचाना। वो जी मौलवी नंगा इसलिए हुआ कि उसको गर्मी लग रही है, इसलिए वो मौलवी अपनी कमीज उतार के अपनी टांगे दबा रहा होगा बच्चे के साथ। करेगा, हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए। और आंखें चकरा गई हैं कि क्या बनेगा इस मुल्क का। एक अरसे से हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हम IMF के चुंगल से जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन अभी तक 25 के करीब बजट ऐसे हैं जो IMF के अंडर ही बने। और इस तरह के लोग रिक्रूट करते हैं, खुद नहीं जाते, रिक्रूट करते हैं लोगों को या इंस्पायर करते हैं कि हाँ भाई आप लड़ें, जहाद करें, मरें, दहशतगर्दी करें आप जाके। वो खुद बड़े मजे से अपनी चाय पी रहे होते हैं, पॉडकास्टों में बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। किस तरह जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल क्या करना है क्या नहीं करना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है, बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ, क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों। शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं, बहुत से कंट्रीज अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम आप। क्योंकि वसाइल हमारे मुल्क में इतने नहीं है, इससे क्या होता है जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते, फिर चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है। वसाइल तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खुद देख लें कि अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब्र करें ना। मतलब ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या, बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे, भूखा मारना है उनको सारी जिंदगी, तो क्या फ़ायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का जो खा नहीं सकते, जिनका खाना नहीं पूरा मिल रहा। हाँ। ना उनकी एजुकेशन कुछ होगी तो क्या फ़ायदा। हाँ। वैसे वसाइल बहुत कम है ना, तो कैसे इनके दिमागों में घुसाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसी चिड़िया का नाम है। समझ से पता नहीं इनको क्या समझाएं, बहुत मतलब इनको खुद पता होना चाहिए। औरत को प्रेशराइज भी तो किया जाता है यहाँ पर। यार देखे, मैंने खुद देखा है इतना कि औरतों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं, और औरतें भी बात मान लेती हैं ना, मतलब इतनी जाहिल होती हैं। उनको समझना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने औरत को चाहिए कि वो कुछ बोले मर्द के आगे। ये नहीं कि खाली मर्द ही सारा कुछ बोलते हैं, मर्द जो कहेगा वही करना है। तो फिर तलाक 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 हो जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन औरत को चाहिए कि वो सब्र करे, हर बात मर्द की सही नहीं होती। तो ज़रा तो फिर कैसे, मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है औरत को? कि कुछ लोगों को बेटी की ख्वाहिश होती है, बेटी नहीं मिलती वो लगातार लगे रहते हैं, कुछ लोगों को बेटों की ख्वाहिश होती है, बेटा नहीं मिलता वो लगातार लगे रहते हैं जब तक बेटा या बेटी नहीं होती। जिनको बेटों की ख्वाहिश होती है उनको बेटा मिलते ही नहीं है। हमने जहाँ तक देखा है कि मतलब उनको बाहर दफा वो चार चार शादियाँ कर रहे थे कि नहीं अब बेटी होगी, अब बेटी होगी, लेकिन फिर भी उनको बेटी नहीं होती। तो मतलब आप बेटी बेटा बेटी क्या, मतलब क्या फ़र्क है आप लोगों में? अल्लाह मियाँ ने आपको दिया, खुद से खुश हो ना कि बस। सही बात है, कितना डेंजरस होगा। कहा ये जा रहा है कि 2050 तक हमारी डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। पता नहीं इसका तो मुझे अब, कितना खतरनाक हो सकता है हमारे, बहुत ज्यादा ज़्यादा गरीब भी इतना आ जाएंगे बच्चे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना खाने को होगा ना कुछ पीने को होगा। ऑलरेडी अगर हम 2013 से 14 की रिपोर्ट देखें पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज़पेपर डॉन की, तो 25 मिलियन बच्चे तब आउट ऑफ स्कूल थे, तब इससे ज्यादा हो गए। अभी भी इतने बच्चे हैं जो मतलब नहीं पढ़ रहे, जिनके घर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है उनको पढ़ाने के, उनको खिलाने के, वो बैठे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने पैदा करने हैं। मसला क्या है? और मुल्कों में सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग भूखे नहीं मर रहे। हमारे क्या है, नहीं कंट्रोल नहीं हो रही, तो कम अज़ कम वसाइल ऐसा पैदा करें कि इस आबादी को इस्तेमाल करें कि कहाँ पे करें, ताकि इससे हमारी जो है ना तरक्की भी हो मुल्क की, कुछ ऐसे वसाइल पैदा करें कि अब कंट्रोल हो सके, कि गुरबत ना आए, वो सारा मैनेज हो सके। और ममालिक उन्होंने भी तो मैनेज किया है ना, आबादियाँ तो उनकी भी है, वो तो उनकी तो इकनॉमी नहीं नीचे आ रही, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनका तो दिवालिया नहीं हुआ हुआ। क्या कहते थे, आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, वसाइल भी तो पैदा करे ना। वसाइल नहीं है ना, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए ना अभी। और पाकिस्तानियों का माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है, क्या वजह है? उनकी मर्जी है, नहीं होता। बच्चे हर एक को अच्छा लगता कि हमारी फैमिलियाँ बड़ी हो, और हमारे में मैं यही कहना है हमारे मुल्क में तो है ही ये कि बच्चे पैदा करने हैं और करने हैं बस। करने हैं बस, चाहे उनका पेट ना पाल पाओ। अब क्या है, किस कौन कहता है कि हमारे दो बच्चे हो, अगर दो दो बच्चे भी, आबादी इतनी ज़्यादा, अगर हर फैमिली में दो दो बच्चे भी है ना, फिर भी आबादी बहुत ज़्यादा है, नहीं आगे होंगे फिर होंगे, लेकिन आबादी को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। आबादी को इस्तेमाल करके वसाइल ऐसा पैदा करे कि ये आबादी जितनी भी बढ़े लेकिन फ़ायदा दे, लेकिन नहीं है ना। देखिए ना, हम अभी स्टेबल कंट्री नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी में देखिए, अब एक
बंदा एक फैमिली के साथ साथ 8-8 बच्चे होंगे, बाद में चाइल्ड लेबर प्रमोट होगा अगर उनके पेट नहीं पाल पाएंगे तो। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि इसमें आप कह रही हैं कि बच्चे पैदा करने वालों की गलती है। नहीं मैडम, मैं ये बच्चे पैदा करने वालों की गलती नहीं है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की। ये ना कह दीजिएगा अल्लाह की देन है। मैं वही तो कह रही हूँ कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है। और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, क्योंकि ये कह रही है कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक एक मेरे माइंड में है। कहाँ कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ, मुस्लिम आबादी ज्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना तो हमारे मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। अच्छा, ये जो फोर्स किया जाता है कि इतने बच्चे पैदा करने हैं औरत ने, इसके बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल ठीक बात है, हमें कंट्रोल्ड पॉपुलेशन रखनी चाहिए। जैसे कि बाहर के ममालिक में एक कंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, एक औरत के जो है वो 2 या 3 बच्चे होते हैं, और इससे वो फिर क्या करती है, वो उन बच्चों को अच्छी नशोनुमा भी दे पाती है, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है। अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अगर हम उस केस स्टडी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए कभी शादी भी होती है, लड़की का रिश्ता भी होता है, तो पहला यही होता है कि बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सेहत देखी जाती है। शादी के फौरन बाद बच्चों का ही सवाल किया जाता है, कुछ लोग बेटी के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की, कुछ लोग बेटों के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की। जी मैं भी इसी फेज से गुजरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। ऐसे ही है यहाँ पे जो है ना, पाकिस्तान सोसाइटी में ये बात बहुत जो है ना वो आम है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है, क्योंकि वो है ना एक मिसाल, बच्चे 2 ही अच्छे, तो बच्चे मेरा ख्याल है 2 ही अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ नहीं ना समझ आती। लेकिन जब से कोविड पाकिस्तान में आया है ना, तो बच्चों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने छुट्टियाँ दे दी, उसके बावजूद लोग फ्री थे, उनको और कोई काम ही नहीं था इसके अलावा। कोविड से पहले भी आबादी बढ़ ही रही थी, लेकिन वो बहुत कम बढ़ी थी। इसे अगर आप इस तरतीब को, बढ़ती हुई आबादी को देखें ना, तो कोविड का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। अच्छा, लेकिन सर यहाँ बात ये आती है कि पाकिस्तानी रुकने का नाम क्यों लेते हैं, इनमें बच्चे ज़्यादा पैदा करने की ख्वाहिशात क्यों है? आई डोंट नो, हमें ये पता होना चाहिए ना कि वसाइल इतने नहीं है, आम बंदा इतना नहीं कमाता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है ऐसे। आई डोंट नो, लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक हदीस शरीफ है ना कि जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे चुनेगी वो उतनी जल्दी जन्नत में जाएगी। माइट बी पॉसिबल वो हदीस को आगे लेके चल रहे हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी जो महिलाएँ हैं, जो पब्लिक है, उनको सुना है, यहाँ पर उनका ओपिनियन लिया जा रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो आबादी है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, और एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की जो मौजूदा आबादी है वो 2050 आते आते जो ना पूरी तरीके से डबल हो जाएगा। अभी बताया जाता है कि लगभग 25 करोड़ के आसपास इनकी आबादी है, और 2050 जो अब इतना दूर भी नहीं रहा है, और वहाँ तक अगर पाकिस्तान की आबादी डबल होती है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा बताया जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर जनगणना होती नहीं है, काफ़ी पहले हुई थी, एक अनुमान लगाया जाता है, एक रिपोर्ट निकाली जाती है, उसके आधार पर ये बताया जाता है। तो इसी को लेकर बातचीत की जा रही थी, जहां पर पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं उनका ओपिनियन यहाँ पर वीडियो में लिया जा रहा था। आपने भी देखा है कि किस प्रकार से जो है ना पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका माइंडसेट किस प्रकार का है, हालांकि वो पीछे सोचते भी नहीं हैं इसके बारे में कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई में वो कैसे उनको पालेंगे, बड़े करेंगे, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, इसके बारे में उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। बस उनको जो ऐसा होता है कि बस उनको बच्चे पैदा करना है, उनको उनका परिवार बढ़ाना है, बस यही सोच जो है ना पाकिस्तान की। इसी वजह से अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, जहां पर बताया गया कि पाकिस्तान में जो है ना 2-3 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल कभी उन्होंने देखा ही नहीं है, कभी जाते ही नहीं है स्कूल में। हालाँकि ये भी काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, अभी ये आंकड़ा और भी ज़्यादा हो गया होगा। तो ये इस प्रकार के हालात हैं पाकिस्तान के, जो इस वीडियो के अंदर आपने देखा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।